राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। सर्किट हाउस में राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, इन 9 सालों में पूरे वाराणसी का ऐतिहासिक विकास हुआ है। ये वाराणसी की बात ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ है। हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ पेपर तक नहीं बल्कि प्रमाण सहित सरकार ने क्या काम किया है और ये जनता को भी जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अभी भी योजनाओं पर काम चल रहा है, आम जनमानस को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी यहां के सांसद हैं। माननीय मोदी जी 14 यहां सांसद बने, 9 साल के अंदर पूरे वाराणसी लोकसभा का ऐतिहासिक विकास किया गया। लगभग 18,000 करोड़ के परियोजनाएं जिनका कि जनता के लिए समर्पित हो गया है, लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है वो काम चल रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 26,000 करोड़ रुपए से वाराणसी का विकास किया गया। चारों तरफ सड़कों का विस्तार, चारों तरफ सड़कों का चौड़ाई, पुल के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, पार्कों का विकास किया गया, सुंदरीकरण किया, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे PWD हो, चाहे नगर निगम की स्थापना हो, विकास प्राधिकरण हो, त्वरित विकास से फंड आया हो, इस प्रकार से संपूर्ण बनारस का विकास किया गया। और केवल बनारस की बात नहीं हो रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास किया गया था। इसके पहले क्या परंपरा था कि कुछ तथाकथित नेता के पास 1-2 जिले होते थे विकास करने के लिए। आज प्रदेश सरकार संपूर्ण देश का विकास कर रही है और इस कारण से देश के हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मानी मीडिया के साथ मिलकर के अपनी बात को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। और केवल ओरल नहीं, यह लिख कर करके वित्त प्रमाण के साथ कि हमने क्या क्या काम किया। जनता को जानने का अधिकार होता है कि जिसको हमने चुन के भेजा था वह व्यक्ति उस लायक कुछ काम किया नहीं काम किया, ये उसको अधिकार है। और तब आप जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं, आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि वाराणसी लोकसभा हो, चाहे वाराणसी विधानसभा उत्तर की विधानसभा हो, या हर लोकसभा के अंदर ये प्रेस के माध्यम से हम 9 साल की बेमिसाल जो विकास किया गया उसके बारे में बता रहे हैं।